लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा, जिसे लेकर प्रमुख पार्टियां जोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और बिहार में जनसभा को संबोधित किया। झारखंड के पलामू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार से धन संपदा बना रहे हैं। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी।